Praise the Lord and shalom to every brother and sister. Jai Masih ki aap sabko. What a joy to be with all of you. Aur aap sabke saath judna kitna hi aanand ki baat hai. Amen. We are absolutely blessed to join with you on this special day. Aur aaj hum phir se aapke saath is khoobsurat din mein aapke saath judne mein bahut aanand mehsoos karte hain. And if you are someone who is joining for the first time, we are thanking you and we are blessed to have you with us. Aur agar aap hamare saath aaj pehli baar jude hain to hum batana chahte hain ki hum bahut aashishit mehsoos karte hain ki aap aaj hamare saath jud paaye hain. Do let us know if the video is clear, if the sound is clear. Your comments are precious. और अगर हमारा वीडियो ऑडियो सब ठीक है तो जरूर हमें आप कमेंट्स के द्वारा बताइएगा. ये बहुत ही महत्वपूर्ण. दिस इज अ वेरी स्पेशल प्लेस फॉर अस. और ये जगह हमारे लिए बहुत स्पेशल है. आई मीन स्पेशली फॉर मी और स्पेशली पास्टर अरुण के लिए. माय चाइल्डहुड हैड बीन हियर. हमारा इनका जो बचपन है वो यहाँ बीता. आई मीन एंड टुडे वी जस्ट केम इन टू यू नो गेट सम वेजिटेबल्स हियर. और यहाँ पे कुछ सब्जियाँ लेने के लिए हम लोग यहाँ आए. एंड यू नो एज आई केम हियर यू नो आई वाज रिमाइंडेड ऑफ some wonderful testimonies that the Lord has done in my life. और जब मैं यहाँ पहुँचा तो फिर मुझे परमेश्वर ने वो सारी चीजें याद दिलाई है ना जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया था. You know, I just want to ask you, has God been faithful to you? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या परमेश्वर आपके साथ विश्वासी योग्य रहा है? I mean, today I'm going to share a very small testimony. It'll be a small video of 10 minutes. और मैं एक छोटी सी गवाही आपके साथ आज बांटना चाहता हूँ. 10 मिनट की गवाही होगी. I'm at a place called Pushp Vihar in New Delhi. मैं एक जगह पे हूँ जिसका नाम है पुष्प विहार जो नई दिल्ली में है. I mean, and this is basically it's a Monday market here. और इस जगह को मंडे मार्केट कहते हैं. I mean, and you know, in this market we get vegetables at lower rate. और इस मार्केट में आपको आवाजें सुनाई दे रही होंगी. इस मार्केट में सारी सब्जियां बड़ी ही सस्ती रेट में मिलती हैं. I mean, and you know, it's a stretch. You know, it's approximately 2 kilometers of only vegetables out. और अगर आप यहाँ से जहाँ से हम खड़े हैं यहाँ से शुरू करेंगे तो 2 किलोमीटर तक लंबी यू नो जगह तक सब्जियां ही बिकती हैं. I mean, if you are somebody who stays in Delhi, you will definitely know about this market. अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको इस मार्केट के बारे में जरूर जरूर पता होगा. So I'm just going to show you this market to you. और मैं आपको ये मार्केट अब दिखाऊंगा. I mean, it looks something like this and it goes all the way. ये पूरा जहाँ 2 किलोमीटर आगे तक ये जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं इसमें सब्जियाँ भर के आती है और 2 किलोमीटर तक इसके अंदर सब्जियाँ भरी रहती है और वहाँ पे सब्जियाँ बिकती है 2 किलोमीटर. एंड लॉट ऑफ पीपल आर देयर. हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर देयर. सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग देयर. और वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं. हम जाकर आए तो बहुत सारे लोग थे तो हमने सोचा कि थोड़ा सा दूर रह के हम लोग ये लाइक. सो व्हेन आई वाज यंग जब मैं छोटा था. आई मीन वी फेस्ड लॉट ऑफ डिफिकल्टीज. हमने बहुत सारी मुश्किलें देखी. आई मीन एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स इन आवर लाइफ वाज यू नो हैविंग फूड. और हमारे जीवन का सबसे कठिन जो समय था वो ये था कि हम खाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हुए. वी नेवर टोल्ड एनीवन यू नो दैट वी नेवर हैड फूड एट होम. हमने किसी को ये नहीं बताया कि हमारे घर में खाना नहीं है. सो व्हेन आई वाज यंग तो जब मैं छोटा हुआ करता था. आई मीन व्हेन वी यूज्ड टू हैव डिफिकल्टी इन हैविंग फूड. जब हमारे घर में खाने की तंगी रहती थी. आई मीन एट दैट टाइम वी यूज्ड टू गो टू दिस मंडे मार्केट. तो हम इस मंडे मार्केट आया करते थे. आई मीन एट अराउंड 11:30 एट नाइट. और रात के कुछ 11:30 बजे करीब. आई मीन मी एंड माय मदर वुड गेट आउट टू द मंडे मार्केट विद अ पॉली बैग इन आवर हैंड. और मैं और मेरी माँ हम क्या करते थे. एक और हम लोग यहाँ इस मार्केट में आते थे. और हम इस मार्केट में घूमते थे. यू नो अराउंड 11:30 द मार्केट इज अबाउट टू क्लोज डाउन. और 11:30 बजे करीब मार्केट बंद होने को आ जाता है. सो पीपल विल थ्रो दोज वेजिटेबल्स विच आर स्पॉइल्ड. दे विल थ्रो इट ऑन द रोड. तो जो खराब सब्जियाँ हैं ये सब्जी वाले उठा के फेंक देते थे. आई मीन सो माई मॉम एंड मी वी विल गो अराउंड दिस प्लेस. तो मैं और मेरी मम्मी क्या करते थे इस जगह पे घूमते थे. आई मीन वी विल पिक ऑल दोज वेजिटेबल्स. और वो सारे जो सड़े जो सब्जियां होती थी वो नीचे से उठा के उस पॉलिथिन में डालते थे. आई मीन एंड वी विल पुट दैट इन द पॉट बैग. और फिर उसे पॉलिथिन में भर देते थे. आई मीन वंस वी पुट दैट. और जब हम उसे डाल ले. आई मीन मेनी पीपल वुड लुक एट अस व्हाई वी आर पिकिंग ऑल दीज वेजिटेबल्स. और कई लोग हमें देखते भी थे और पूछते सोचते भी थे कि ये लोग ये सब्जियां उठा क्यों रहे हैं. आई मीन वी नेवर टोल्ड एनीवन व्हाट्स द रीजन. हमने किसी को ये नहीं बताया कि हम ये क्यों उठाते थे. बट वी टुक ऑल दैट वेजिटेबल्स
वाज पुट इट इन आवर पॉली बैग और हम वो सारी सब्जियां लेते थे उस पैकेट में डालते थे आई मीन एंड वी विल कम बैक टू होम और फिर हम घर पहुंचते थे आई मीन एंड सम ऑफ दीस वेजिटेबल्स वर नॉट एट ऑल इन गुड कंडीशन और कुछ जो सब्जियां थी वो बिल्कुल ही सड़ी हुई होती थी आई मीन सो वी विल टेक द गुड पोर्शन ऑफ दैट लेकिन फिर भी उसमें से जो थोड़ा बहुत जो अच्छा भाग होता था उसे काट लेते थे आई मीन एज द फोर फैमिली ऑफ फोर और हमारा परिवार तब चार का था यू नो माई डैड वुड टेक ऑल द वेजिटेबल्स he'll cut it and then we will put it in the pressure cooker and we'll make something called sambar aur hum kya karte the jo bhi acha bhag hai papa uska bhag kaat ke hum fir sare sabzi us pressure cooker mein dal ke uski sambar bana dete the I mean we didn't have any money so we will pick all those vegetables which were on the road aur hamare paas kyunki tab paise nahi hua karte the to jo road pe pade hue sabziyan thi jo log fek dete the wo sabziyan hum uthaya karte you know and we will cook that night around 1 o'clock you know we will have our lunch have our dinner aur hum us raat kam se kam 1 baje kareeb raat ke hum apne raat ka khana khate the I mean when we were young jab hum chote the I would always ask my mom and dad main hamesha apne mummy papa se ye sawal especially I'll ask my mom main apni mummy se khaas taur ke ye sawal poochta tha I mean mom why are we going through such struggles main poochta tha mummy hum itni kathinaiyon se kyon guzar rahe hain I mean and my mom would always tell me to meri maa hamesha ye kehti thi yes we are going through struggles ha hum mushkil se ja rahe hain I mean but god hasn't kept us hungry lekin parmeshwar ne hame bhookha to nahi choda I mean god has provided for us परमेश्वर ने हमें दिया तो है खाने के लिए एंड डोंट वरी वन डे गॉड विल गिव इनसफिशिएंसी अब एक दिन परमेश्वर हमें जरूरत से ज्यादा और जरूरत के हिसाब से हमें दे देगा आई मीन एज आई ग्रू ओल्डर और जब मैं बड़ा हुआ आई मीन गॉड स्टार्टेड चेंजिंग आवर सिचुएशन परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदलने डिड ही मेक अस रिच क्या परमेश्वर ने हमें अमीर बना दिया स्पिरिचुअली ही हैज मेड अस आत्मिक रूप से बिल्कुल हमें अमीर बना दिया आई मीन बट इन ऑल दिस प्रोसेस गॉड स्टार्टेड मेकिंग अस कंटेंट इन व्हाट वी हैड लेकिन इन सारी जो परिस्थितियों को देखने के बाद परमेश्वर ने हमें हर एक चीजों में संतृप्त रहना संतुष्ट रहना सिखाया आई स्टार्टेड लर्निंग थ्रू ऑल दीस सिचुएशंस दैट गॉड इज अ गुड फेथफुल गॉड एंड इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स मैटर इन आवर लाइफ और मैंने इन सब चीजों से अपने जीवन के हर एक वारदात से यही सीखा कि परमेश्वर मेरी हर एक छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने वाला है वो एक हीरे वो देने वाला एक खुदा है आमीन एंड यू नो टुडे व्हेन आई केम हियर और आज जब मैं यहाँ आया आई रिमेम्बर ऑल दोस नाइट्स और मैं उन सब रातों को याद When I used to go out 11:30, 12 at night with my mom to pick all those vegetables that were on the road. I remember all those things. मैं वो सब दिन याद करता हूँ जब छोटा सा मैं अपनी मम्मी के साथ सब्जियाँ उठाने के लिए इन रस्तों पर मैं घूमता था और मुझे वो सारी यादें रातें वो सारी बातें मुझे याद आई. And you know, as being here, it was nostalgic, and suddenly God told me. Wasn't I faithful to you? और ये यहाँ पे आके मुझे सारी वो बातें याद आई और परमेश्वर ने मुझसे इस प्रकार से कहा कि क्या मैं तेरे साथ विश्वास योग्य नहीं रहा? Today I have a good news for you. आज मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है. You might be going through some tough time. आप शायद कुछ मुश्किल हालातों से गुजर रहे हो. But God is, this is what God is telling you. लेकिन ये आज परमेश्वर आपको बताना चाहता है. Hold on my child. आप हिम्मत मत हारो बच्चे. You might have to pick some racks. शायद तुम्हें कुछ कचरा उठाना पड़ जाए. I mean you might have to survive in difficult times. शायद तुम्हें बहुत ही मुश्किल हालातों में जीना पड़ जाए. But don't worry. लेकिन चिंता मत करो. Be faithful in that. विश्वासियों के Don't complain about it. उसमें आप दुखी मत हो. Start being content in it. हर चीज में संतुष्ट रहने की कोशिश करो. I mean you know God is going to change your situation. और परमेश्वर आपकी अवस्थाओं को बदलेगा. It will make us a better person. वो हमें एक बेहतर इंसान. It will help us to value things. और वो हमें चीजों का महत्व समझने के लिए सहायता करेगा टुडे लेट दिस वर्ड बी एनकरेजिंग टू यू और आज ये वचन आपके लिए और मेरे लिए एक आशीष का प्रोत्साहन पॉल राइटिंग टू द चर्च ऑफ फिलिपियंस सेज दिस प्रेरित पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को इस प्रकार से कहते हैं आमेन माय गॉड शैल सप्लाई ऑल माय नीड्स अकॉर्डिंग टू द रिचेस इन ग्लोरी मेरा परमेश्वर हर एक चीज को उदारता से पूरा करेगा जैसी उसकी उदारता स्वर्ग में है आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट और मैं उसका जीता जागता सबूत हूँ आई मीन गॉड हैज चेंज्ड माय सिचुएशन परमेश्वर ने मेरी अवस्थाओं को बदला गॉड विल चेंज योर सिचुएशन परमेश्वर आपकी अवस्थाओं को बदलेगा आई मीन इफ समबडी इज स्ट्रगलिंग गॉड विल फाइट फॉर यू अगर कोई आज मुश्किल हालातों में है तो जानिएगा कि परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा आई मीन गॉड विल डू ग्रेट थिंग्स परमेश्वर आपके लिए भले काम करेगा He will provide for you.
परमेश्वर आपके लिए सब कुछ देगा. And I was young. जब मैं छोटा था. I mean there was this song my mom used to sing for me. और एक गाना था जो मेरी माँ मेरे लिए गाती थी. She's from South India, so the only Hindi song she knew was one of them. और क्योंकि वो केरला से थी तो उनको एक ही गाना आता था और वो क्या कहते हैं वो हिंदी में एक वो गाना था. I mean and the song is like this. I'll just sing it to you that she used to sing to me. और मैं वो गाना गाऊंगा जो वो मेरे लिए गाती थी. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा. कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा. जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा. It's you know remembering all those things are very difficult. और सारी चीजें याद करना बहुत मुश्किल हो रहा है. Oh, it was very difficult time those days. और उन दिनों में बहुत ही मुश्किल दिन थे मेरे लिए. But God has been very faithful. लेकिन परमेश्वर मेरे साथ बहुत ही भला था. And that is why you know we preach about you know Christ because we know what Christ is capable to do in your life. और इसके लिए हम परमेश्वर के बारे में क्रिस्त के बारे में हम प्रचार करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारे जीवन में क्या करते हैं. It is not us, it is only Jesus. All glory belongs to him. और ये हमारी कोई खूबी नहीं, ये सब यीशु मसीह की है और हर एक महिमा उसी को मिलनी चाहिए. I mean, please be encouraged. इसके लिए आप प्रोत्साहित रहिए. You know, my God shall supply all my needs. परमेश्वर मेरी सारी जरूरत Better than the mother, he is going to take care of me. एक माँ से भी बढ़कर अधिक वो मेरी सहायता करेगा. Thank you so much for joining us. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Amen. And I hope this testimony is an encouragement to you. और हम आशा करते हैं कि ये गवाही, हमारी सच्ची गवाही आपके लिए एक encouragement का कारण. Share it with someone. किसी न किसी के साथ इसे बांटिएगा. And may the good Lord bless you. और परमेश्वर, अच्छा हमारा परमेश्वर आपको आशीषित करे. And let all of us be encouraged in Jesus' name. और हम में से हर एक कोई परमेश्वर में, हालेलुया, आशीषित रहे, प्रोत्साहित रहे. Thank you again. एक और बार God bless you. परमेश्वर, I am Pastor Arul Thomas and this is my wife Mahima. Thank you. धन्यवाद. कल फिर से आपसे मुलाकात है.